नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीजे मैकेनिक्स में। मैं आपका दोस्त अमन। तो आप देख सकते हो बाइक आई है हमारे पास इलेक्ट्रिक 2013-14 के आसपास का मॉडल। तो इसके अंदर बफिंग का काम है और ये कुछ पैकिंग वगैरह डाल रखे, तो इनको हटाएंगे और जो जैसे कि प्रॉपर फिट होती है बॉन्ड लगा के उस तरह फिट करेंगे। और इंडिकेटर ये चेंज होंगे इसके, बाकी जो टैंक मत्था और जो टूल बॉक्स है वो लेमिनेट होंगे। एक ये जो देख सकते हो आप यहाँ से स्टैंड के जो फ्रेम है वो यहाँ से ये सड़ चुकी है, तो इसको रिप्लेस करेंगे। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड ये सब चेंज होंगे। रियर टायर चेंज होगा और ये बेंड देख सकते हो आप, तो इसको रिपेयर कराएंगे। सीट कवर और ये मैनिफोल्ड वगैरह देख सकते हो आप, रबर डिस्क सारी कटी हुई है, ब्रीथर पाइप वगैरह। ये कुछ चैन की हालत है, चैन कवर चेंज होगा, तो काम काफ़ी सारे है बाइक के अंदर। एक एक सामान दिखाते हैं और इनको रिप्लेस करेंगे। कार्बोरेटर वगैरह क्लीन होगा इसका, रोकर की जो गैस किट्स है और सेल वॉशर है वो सब लीकेज है इसकी। और ये देख सकते हो, और बाइक सिर्फ चली है ये 15,000 के आसपास, तो ओरिजिनल ही चल रही है बाइक। फ्रंट डिस्क पैड ख़राब है इसके, ऑयल आ चुका है इनके ऊपर, तो दुकान पे लेके चलते हैं और करते हैं काम स्टार्ट। बफिंग रबिंग भी करनी है इसके ऊपर, नई बना देनी है ये बिल्कुल बाइक। पहले इसके ऊपर डीजल वॉश करते हैं और काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये वेल्डिंग प्रॉपर हो चुकी है, बिल्कुल बाइक पूरा चेंज कर दिया है। पेंट होने के बाद तो पता भी नहीं लगेगा। तो बाइक खोलते हैं, पहले हम इसका बफिंग से पहले ये इसके जो ये गैस की टाइम निकालेंगे और इसका प्रॉपर जो रोन फिल्ड के बॉन्ड है वो लगाएंगे। तो डिसमेंटल स्टार्ट करते हैं इसके, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देख सकते हो यहाँ जो पैकिंग है वो निकालेंगे हम, और ये इसकी गियर सील भी लीक है। दोस्तों जो बॉन्ड है वो हम ये यूज करेंगे इसके ऊपर, रॉयल एनफील्ड की ओरिजिनल। और ये गियर सील है गियर शाफ्ट की, तो ये लगाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, अब कोई नहीं बता सकता कि कभी खुली थी। प्रॉपर फिनिशिंग आ चुकी है इसकी, तो अब ये खोलते हैं, इसको बाइक डिसमेंटल करते हैं और बफिंग का काम स्टार्ट करते हैं। पहले साइलेंसर वगैरह उतार दे इसके, लेग गार्ड भी उतार ले। Thank you.
तो दोस्तों ये जो होल है देख सकते हो क्लीन हो चुका है प्रॉपर। ले पेट्रोल वो हवा मार के पेट्रोल मार दे। दोस्तों देख सकते हो पफिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और अब जो रोकर कवर है उनको फिट करते हैं। ये वॉशर गैसकेट देख सकते हो ये तो रोकर कवर के गैस किटा वो लग चुकी है। तो नेक्स्ट डे आज और जो झूले का पूछ है वो भी देख सकते हो इसका लूज है तो टाइट करेंगे ब्रेक वगैरह साफ करते हैं बोलते हैं बाइक शोकर निकालते हैं इसके जो सब निकाल लिए यहाँ तक सारा पूरा कंप्लीट खोल लिया इसने मैनिफोल्ड के साथ टोल बॉक्स ये बाहर कर लिया इसका शोकर खोल लिया मैं आ रहा हूँ। तो बाइक देख सकते हो आप यहाँ से सारी खोल चुकी है स्विंग आर्म इसका कर दिया टाइट तो ये पार्ट्स है जो लेके आए हम ये शोकर है पीछे के सोलह सौ मार के इनकी 827 इसका मेन स्टैंड है रियर ब्रेक शू ये वेंडर का मिला है जेन्युइन मिला नहीं चैन कवर इसमें दो आइटम ये दूसरी कंपनी की है तो ये चल जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑयल फिल्टर 225 की इसके आउटर में हेडलाइट की चार सौ चालीस का इसका साइड स्टैंड है 128 रुपये प्लग अडैप्टर 95 का ये राइट लेफ्ट वाला 740 की इसकी एमपीजी प्लेट है 250 रुपये फ्रंट डिस्क पैड ये इसका मैनिफोल्ड है 205 ये इसकी स्लीव है लेफ्ट साइड की फुटरेस्ट की रबड़ एयर फिल्टर 220 ये सब सामान है सारा बाकी दो चार आइटम रह भी रहे वो मैं दिखाता रहूँगा जैसे डालूँगा जैसे कि इसका ये इसके मीटर का जो कवर है वो डाल लेंगे नया स्विंग आर्म के स्टार वो भी जर्मन है मेरे पास तो फिट करते हैं।
तो रियर ब्रेक शूज होकर प्रॉपर ग्रेसिंग इसमें बैरिंग के अंदर ग्रेसिंग करके प्रॉपर फिट कर दोगे तो आप ये जो क्लीनिंग है तो वॉशिंग में होगी, क्योंकि पहले भी करी थी ये बफिंग का जो करी थी उसका थोड़ा सा डस्ट जमी हुई है। चेन कवर लगा दिया, अब MTG प्लेट और स्टैंड 13 कनेक्ट खोल लिए परली तरफ से, ये बैंड है पूरी यहाँ से तो इसलिए चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टैंड वगैरह लग चुके हैं, ऑयल फिल्टर लगा दिया इसके अंदर तो लोकल था, बताने कौन सी कंपनी है, डाल दिया ऑयल जो है रॉयल ओरिजिनल डाल भाई। दोस्तों यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हो आप, साइलेंसर बफ कर दिया था, अभी तो थोड़े गंदे हाथ लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये देख सकते हो बफिंग का कुछ ये हाल है। और ये जो दाग है ये जैसे कि बाइक रनिंग होगी थोड़ी सी तो इसको वॉशिंग के टाइम पे क्लीन कर देंगे, और थोड़ा बहुत इंजन का पेंट है वो उतरा हुआ है तो टचिंग कर देंगे उसकी, पेंट बनवा के इसी कलर का ही, बाकी यहाँ तक का सारा काम कम्प्लीट है हमारा। चेसी रिपेयर हो चुकी थी वो तो दिखाई दिया था, मरकार्ड बाइक में धीरे धीरे लुक आती जा रही है यहाँ से, अब ये देख लो ये क्लीन करेंगे इसका, ये हेडलाइट के रिम भी चेंज करने हैं वो मैं फ्रंट फ्रंट के लेके आ रहा हूँ, ये अभी मंगानी है, और टायर का है इसका भी जो जिससे मैं अलाइनमेंट कराता हूँ वो बाहर जा रहा है तो वो है नहीं, वो कल आएगा तो इसको नेक्स्ट डे करेंगे, तब तक बाइक की क्लीनिंग वगैरह पेंट वगैरह का काम कंप्लीट करके फिर अलाइनमेंट करने के बाद फिर टायर चढ़ा देंगे उसके ऊपर, बाकी टनाटन हो चुके लग डप्टर वगैरह मैनिफोल्ड वगैरह रबड़ वगैरह सब डाल दिए इसके ब्रीथर पाइप वगैरह, तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे आइटम बहुत सारे हो जाते हैं।
दोस्तों मेन सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, वर्क वॉशिंग करते हैं इसके। टैंक पे थोड़ी सी कंपाउंडिंग करेंगे, डीजल लगा रखा है मैंने पहले ही, वो रात को लगा के छोड़ दिया था, तो अभी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। कुछ आइटम रह रहे थे बाइक में, ऐसे तो वॉशिंग हो चुकी है। एक ये मोटर का कवर है, ब्रेक पैड, ये एक इसके ये जो मैनिफोल्ड था उसकी क्लिप वैसी थी वो पाइप वाली, तो ये जो जैन बनाती है वो डालेंगे। और एक बैक रिम है इसका हेडलाइट का, एक ब्रेक पैड डल के रबड़ है ये। देखो थोड़ा थोड़ा
भाई मैंने चालू कर दिया दोस्तों कंपाउंडिंग पॉलिश का काम हो चुका है और पेंट जो है वो भी कर दिया था इंजन पे। ये देख सकते हो आप, ये प्रॉपर वे से तो नहीं कर रहा पर ऐसा है, ठीक ठाक है। पता नहीं लग रहा कि पेंट हुई है, गौर से देख रहे तभी पता लग रहा है। ये देख सकते हो आप, तो अभी यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट है। बस स्विंग आर्म की कैप लगानी है, टायर जो है इसका अलॉय व्हील वो अलाइनमेंट पे जा रहा है, वो बेंड था तो टायर फिट करके इसमें अब बाहरी मिलते हैं सीधा सिनेमैटिक्स पे। कंप्लीट है बाइक। तो अलॉय व्हील देख सकते हो आप, ये हो चुका है पर ये क्रैक था, यहाँ से हम सील लगा दिया, इस पर प्रॉपर कर दिया वैसे ये। बाकी अगर कस्टमर से बता देंगे, अगर वो नया डालने की बोलेंगे तो फिर बाद में नया डाल देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो बाइक कंप्लीट हो चुकी है हमारी पूरी, और एक दो सिनेमैटिक्स भी थे छोटे मोटे। ये फिलहाल आप लोग को देख सकते हो बाइक की प्रॉपर एकदम नई जैसी हो चुकी है। इसको फुल रिस्टोरेशन तो नहीं बोलेंगे, हाफ ही है, क्योंकि पेंट का काम ना मात्र के आसपास हुआ है, सिर्फ इंजन में थोड़ी बहुत टचिंग का काम था। नई जैसी हो चुकी है बाइक बिल्कुल। वो स्टैंड दिखा देता हूँ आपको जो वेल्ड कराया था, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि हुआ या नहीं। तो शॉकर वगैरह नहीं डले इसके अंदर, बफिंग रबिंग हुई है, MTG प्लेट ये सब नहीं डले है। तो एक ये नंबर प्लेट हो रहा है पीछे की, वो रस्टी है थोड़ी सी, तो वो दुकान पे जाकर डाल देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी ऐसा काम कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।